इमामुल हक की जबरदस्त किस्म की कारगर्दगी और पाकिस्तान को मैच जितवाने में इमामुल हक का कलीदी किरदार और इमामुल हक की जबरदस्त और बेहतरीन इनिंग हमें आज देखने को मिली। इमामुल हक ने कितने रन किए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसे जीती, पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या है, बॉलर्स की परफॉर्मेंस क्या है, ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में फराहम की जाएंगी। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन दोस्तों ने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया वो फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। इमामुल हक ने आज 91 रन की इनिंग खेली और जबरदस्त अंदाज से जिम्मेदाराना इनिंग खेली और बाबर आजम के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप भी की। इमामुल हक के साथ साथ पाकिस्तान के उप कप्तान बाबर आजम ने 53 रन की इनिंग खेली जबकि शादाब खान ने 48 रन की इनिंग खेली और नसीम शाह ने बेहतरीन अंदाज से फिनिशिंग टच किया। अफगानिस्तान के बैटर्स में से इब्राहिम जदरान ने 80 रन की इनिंग खेली और गुलबर्ज ने 151 रन की जबरदस्त इनिंग खेली। पाकिस्तान के बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी खातर खा बॉलिंग कर पाए, 2 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने ली जबकि 1 विकेट नसीम शाह के हिस्से में आई जबकि 1 विकेट उसामा मीर के हिस्से में। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 50 ओवर में 300 रन जैसा पहाड़ टारगेट चेज करना था जिसमें इमामुल हक की बेहतरीन इनिंग, फखर जमान और इमामुल हक का बेहतरीन स्टार्ट 50 रन का पार्टनरशिप थी लेकिन फखर जमान जल्द ही पाकिस्तान टीम को साथ छोड़ गए और इमामुल हक की जबरदस्त और बाबर आजम के उसके बाद बेहतरीन अंदाज से इनिंग को बिल्ड किया और पाकिस्तान टीम को मैच में फतह दिलाई। इमामुल हक और पाकिस्तान की कारगर्दगी से आप मुत्तफिक हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। मिलते हैं नई आने वाली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।